हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के देखिए इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर दी हूँ। ये एकदम मॉर्निंग का टाइम है, अभी अभी हम लोग सोकर उठे हैं। बस थोड़ा सा मैंने झाड़ू लगाया है, हॉल अभी बाकी रह गया है। हॉल वैसे साफ ही था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले टिफ़िन बनाती हूँ बच्चों को रेडी, तो वो हो ही जाते हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि रेडी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बस उनको एक दो बार उठाना, आवाज़ देना पड़ता है। और मैं भी अलार्म लगा के सोती हूँ 5:30 बजे का, तो 5:30 बजे अगर मैं उठ जाती हूँ ना, तो मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और फिर बच्चों थोड़ा सा वो नखरा करते हैं, क्योंकि अभी तो क्या हुआ ना कि आदत हो गया है, लेकिन थोड़ा सा एक दो बार आवाज़ देना पड़ता है। तो बस मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, और किचन में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पराठा। उन्होंने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि सत्तू की लिट्टी उनको चाहिए, तो मैंने कहा कि इतना ज़्यादा ऑयली मत, मैं नहीं दूँगी। तो फिर उन्होंने कहा ना कि जैसे क्या होता है कि बच्चे वहाँ पर लाते हैं ना, तो ये लोग किसी का देखते हैं ना, तो फिर इनका भी मन कर जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं सत्तू का जो पराठा होता है पहले वो मैं बना देती हूँ, और अभी ये खा लेंगे, एक दो बस ही खाएंगे, वैसे खाते नहीं है। मॉर्निंग टाइम में इतना नहीं खाने का मन करता है बच्चों को। फिर एक मैंने देखिए पराठे बना दिए हैं, 3 पराठे मैंने बनाए थे, और दो दो मैं आलू, ये आलू कह रही हूँ, सत्तू का इस तरह से लिट्टी को फ्राई कर रही हूँ, और यही वाला बोल रहे थे बनाने के लिए, ये टिफ़िन में देने के लिए मैं बना रही हूँ। तो बस अभी मैं इनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ, और उसके बाद ये चले जाएँगे स्कूल, और फिर अब मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। और मॉर्निंग का काम भी ना जैसे कि अब धीरे धीरे करती हूँ, पहले मैं इनको स्कूल भेजने का रहता है तो भेज लेती हूँ, फिर आराम से आज तो सोया ही था। तो फ्रेंड्स, मुझे इन दिनों क्रिकेट के प्रति दीवानगी हो रही है, क्योंकि मैं प्लेयर स्पोर्ट पर 10 करोड़ जीतना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैच का मौसम आ गया है, और अब हर कोई क्रिकेट का भी दीवाना होने वाला है। तो आ जाइए और डाउनलोड करें प्लेयर स्पोर्ट फैंटेसी गेमिंग ऐप, जो न केवल मेरा पसंदीदा है, बल्कि 1 करोड़ मेरे जैसे लोग भी इसे पसंद करते हैं। और इस सीजन की जीत पागल है फ्रेंड्स, तो इस बार क्रिकेट का दीवाना होने वाले हैं हर भारतीय। केवल खेल ही नहीं, प्लेयर स्पोर्ट में 15+ आसान और मनोरंजक गेम है, जैसे लूडो, रम्मी, सांप और सीढ़ी, कॉल ब्रेक और बहुत सारे, जो आपको रुपये तक दिला सकते हैं 50 लाख। अब आप पूछेंगे कि प्लेयर स्पोर्ट क्यों? हर रोज 10 करोड़ तक जीत और नए अलग अलग ऑफर भी। बिना KYC के आसान निकासी पर 1 करोड़ उपयोगिता भरोसेमंद और सुरक्षित iOS और Android पर उपलब्ध है। तो इस सीजन में अपने दोस्तों को भी आमंत्रित करें और जीते रेफर करें और कमाए बोनस। जल्दी से जाइए और नीचे दिए गए लिंक पर प्लेयर स्पोर्ट डाउनलोड करें और अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम या अपने पसंदीदा गेम पर शामिल होने दें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने खाना वगैरह बना लिया है, और उसके बाद अभी बस मैंने ये थोड़ा सा दलिया रख दिया है बनने के लिए, वो बन जाएगा। उसके बाद फिर बच्चे भी आ जाएंगे, उनको मैं खाना दे दूँगी। आज मैंने बहुत सिंपल सा खाना बनाई थी, आलू और चने की सब्जी, और कुछ नहीं बनाया था मैंने। और उसके बाद मैं जल्दी ही बना ली थी, और आज मैंने कुछ सूट भी नहीं किया है। इसलिए सूट नहीं किया ना क्योंकि अयांश भी थोड़ा मतलब आज शैतानी कर रहा था, और मुझे बहुत लोग कमेंट में, एक दो कमेंट भी आए थे, बहुत पहले से भी आते हैं कि दी आप इतना काम कर लेते हो क्योंकि अयांश रोता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी रोता है। और देखिए ना कि जब मैं संभाल नहीं पाती हूँ, जब मैं अयांश को नहीं संभाल पाती हूँ, उस टाइम मैं वीडियो नहीं शूट करती हूँ। और जब वो सोया रहता है या फिर ऐसा मुझे मौका मिलता है कि हाँ अभी मैं काम कर लूँगी, शूट कर लूँगी, तभी मैं कर पाती हूँ, वरना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। वरना मैं वेट करती हूँ आदित्य के पापा का आने का, और अगर बच्चे घर में रहते हैं ना, फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि एक उसके पास रहना चाहिए। अभी क्या है ना कि कुछ भी उसके सामने रहता है ना, तो डायरेक्ट मुँह में लेता है, या इसीलिए मतलब बहुत सोच समझ के उसके पास भी देखना पड़ता है कि क्या चीज़ है उसके सामने, क्या नहीं है, कैसा भी खिलौना हो, बोतल हो, डाइट मुंह में। तो अभी का जो समय है ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं एकदम, आप जब बोलते हो कि इसकी टॉयज नहीं है, टॉयज एक था वो डाइट मुंह में लेता, कितना मैं फिर भी साफ करके ही देती हूँ, लेकिन इसीलिए प्लेन ही जगह में रहने देती हूँ, उससे थोड़ी बहुत बातें करके ही रहती हूँ। और इसी तरह भी समय कट रहा है मेरा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक चम्मच मैं दलिया यहाँ पर बना रही हूँ, एक से डेढ़ चम्मच ही बनाती हूँ, ज़्यादा तो खाता नहीं है यान सर। अभी अभी मैंने कुछ ही दिन हुआ है, एक दो तीन दिन से ना मैं दे रही हूँ इसको, और अभी जैसे नया चीज़ होता है ना तो वो खा लेता है आराम से, और अभी से उसके नखरे स्टार्ट हो गए हैं खाने के मैटर में। तो बस यहाँ पर मैं आम की चटनी बनाई थी इस जार में, तो वो मैं खाली कर रही हूँ, मैंने कटोरी में वो रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो ये है ना, ये कप जैसा है, उसे मैंने मलाया रखा हुआ था दूध का, तो उसको मैं यहाँ पर इसका मैं अभी घी बना के रख देती हूँ। क्या है ना कि मैं अभी जैसे अभी खाली थी, तो अभी मैं सोच रही थी मैं क्या काम करूँ, तो मुझे भी मन नहीं लगता है, अकेले रहती हूँ ना तो बिल्कुल ही मन नहीं लगता, टीवी वगैरह मैं उतना देखती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कर ही लेती हूँ, जल्दी से मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो मलाई रखा था उसका ये मक्खन मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद इसे मैं घी बना देती हूँ, और फिर बस यही मेरा छोटा मोटा जो पेंडिंग होता है ना मैं फटाफट कर लेती हूँ, ज़्यादा मैं जमा नहीं करती हूँ, ज़्यादा जमा करने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं ज़्यादा इसलिए भी जमा नहीं करती हूँ ना, क्योंकि देखिए मैं ना उतना 1 किलो 2 किलो उतना दूध नहीं लेती हूँ, इसी वजह से मेरा ज़्यादा मलाई भी नहीं होता है। जैसे कि मैं लेती हूँ 3 पाव जो होता है ना, 3 पाव में दूध लेती हूँ, तो उसका मलाई में तुरंत मतलब 3-4-5 दिन होता है, उसी के भी मैं घी निकाल लेती हूँ, ज़्यादा दिन मैं नहीं रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कपड़े यहाँ पर सूख गए थे, काफ़ी तेज़ धूप थी, तो इसे मैं जो जो कपड़े सूखे हुए हैं वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ, और ये ना मैंने यहाँ पर धो दिए हैं, आदित्य आसी आ गए थे स्कूल से ही, उनको मैं खाना दे दी हूँ, और जब मैं घी बना रही थी ना उसी टाइम वो आ गए थे, मैंने उनके ये धो के और मशीन में सुखा दिया था, उनका ड्रेस काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, और अभी क्या होता है ना कि गर्मी का दिन है तो कितना ज़्यादा पसीना होता है, तो गंदा नहीं भी होता है ना तो भी मशीन चल ही रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ड्रेस भी डाल ही देती हूँ, तो वो डाल दिया था मैंने। और उसके बाद मैं जब जैसे कि जब ये स्कूल चले गए थे ना, आज मैं कुछ भी काम नहीं कर पाई थी, तो जो मेरे अयांस के कपड़े थे वो मैंने अभी हाथ से ही धो दिए हैं। यहाँ पर देखिए आदित्य नहा धो के फिर फ्रेश खाना वाना खा लिया है, मैं उनको डांट रही हूँ जाओ 1 घंटे सो जाओ, ये लोग मान ही नहीं रहे। तो बस यहाँ पर ना ये दलिया तो मैंने बना लिया था, लेकिन अभी मैंने ना इसे ना ऐसे ही छोड़ देती हूँ, 1 सीटी लगता है, दलिया बहुत जल्दी बन जाता है, और यहाँ पर घी भी ठंडा हो गया था, और वो उसको ना मैं इसी तरह ढक के और ऐसे खोलती नहीं, फिर वो धीरे धीरे एकदम वो हो जाता है थोड़ा सा ना, मतलब कि क्या मैं बोलूँ, थोड़ा सा बच्चे ना इसको चबाने वाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसको ऐसे ही ये निगल जाता है, वो थोड़ा सा बहुत पतला सा बन जाता है, बहुत सुंदर सा एक बैटर टाइप का बन जाता है जब हम मैं इसको मैश कर रही हूँ थोड़ा सा, और इस ये लकड़ी का जो मैसर होता है उसी से मैं मैश कर रही हूँ, थोड़ा सा था बिल्कुल थोड़ा सा, तो इससे ना इतना अच्छा बन जाता है, ये काफ़ी अच्छा लगता है, और इसमें अगर थोड़ा सा अगर हम छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 2-4 बूंद मैं इसमें घी डाल देती हूँ, सिर्फ 2-4 बूंद ज़्यादा नहीं, और उसके बाद देखिए इसको मैं यहाँ पर मिला रही हूँ और जा रही हूँ यहाँ इसको खिलाने के लिए, ठंडा भी हो गया था, ठंडा तो अभी देखिए दोपहर का टाइम हो रहा है, और अब मैं जा रही हूँ सारे बर्तनों को धोने के लिए। ये देखिए थोड़े से है खाना वगैरह बचा हुआ है, बर्तन में धो लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ बच्चों को, पहले मैंने बोल दिया है खाना वगैरह खा लिए वो लोग, मैंने बोला अभी 1 घंटे सो जाओ, फिर अभी ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर उन लोग को जाना पड़ेगा, और ऐसे भी अभी जल्दी उठना पड़ता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे थक जाते हैं, और अभी इस टाइम अगर थोड़ा सा एक झपकी नींद ले लेते हैं ना, फिर रात में जल्दी नहीं सोते हैं, वरना फिर जल्दी खाना बनाइए और जल्दी खाना बनाइए, ऐसे तो मैं जल्दी खाना बनाती हूँ, लेकिन उनको फिर बहुत जल्दी वो लोग ना सोने लगते हैं, इसी वजह से अभी उनको मैं डांट के और थोड़ा थोड़ा खाना बचा हुआ है। अभी शाम का टाइम हो गया है, और अभी अभी हम लोग ना सोकर उठे हैं, अयांश को सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी, दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे वो भी सो गए थे, और अभी देखिए अभी भी इतना टाइम हो गया है कि धूप बहुत तेज है, ये देखिए बहुत तेज धूप है और अजीब सा गर्माहट लग रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो कहीं पर मैं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अच्छे से नए वीडियो के साथ, बाय बाय।